तेरे पेट की चर्बी तो खत्म हो गई, हाथ पैर की चर्बी जल गई, अब हड्डियां और पसलियां एक एक होकर जुदा हो रही है। ओहो, कितना संभाला था इनको, कितनी प्यारी लगती थी। अरे वाह, जरा सी किडनी बिगड़ जाती तो अमेरिका तक जाने की दौड़ थी, अब तो पूरा बिगड़ा जा रहा है। कहां दौड़ोगे बताओ, कब तक दौड़ोगे यारो? जरा सा पैर में दुखता था, हाथ में कुछ चोट लगती, स्पेशलिस्ट से घिरे जाते थे, अब कौन से स्पेशलिस्ट इधर काम देंगे? ईश्वर के सिवा और कोई तुम्हारा स्पेशलिस्ट सहायक न कर सकेगा। आत्मज्ञान के सिवाय इस मौत की आग से तुमको सदा के लिए बचाने का सामर्थ्य डॉक्टरों के पास कहाँ है? डॉक्टर खुद भी इसी अवस्था में आने वाले हैं, भले जुल्म की फी ले ले, कब तक रखेंगे? भले 50-100 रुपया ले ले देखने का, लेकिन ले जाएंगे क्या साथ में? उन्हें भी इसी अवस्था से गुजरना होगा। शाही और गदाई क्या, कफन किस्मत में आखिर? कर लो कट्ठा, ले लो लंबी चौड़ी फी, लेकिन याद रखो एक बार, ये क्रूर मौत तुम्हारे को कम्युनिस्ट बनाकर छोड़ देगी। सबको एक जैसी हालत से गुजारने का सामर्थ्य यदि है तो मौत में है। मौत बड़ी कम्युनिस्ट है, सच्ची कम्युनिस्ट तो प्रकृति है। तुम्हारा शरीर हाड़ पिंजर, अब पिंजर भी बिखर रहा है, खोपड़ी टूटी, उसके 5-7 टुकड़े हो गए, गिर पड़े, अब वो हड्डी के टुकड़े किसके थे? कोई आगेवान के थे कि पटा वाला के थे, कोई पता नहीं। कोई सुखी आदमी के थे कि दुखी आदमी के थे, माई के थे या भाई के थे, पता नहीं। आटे के टुकड़े गिर रहे हैं कि आग धीरे धीरे शमन की ओर जा रही है। मित्रों का काफी शासन में लगा है, तैयारी कर रहे हैं जाने की। कितने तो बिखर गए बाकी के लोग, अब तुम्हारी आखिरी अर्थी को जल की अंजलि देकर, आंखों में आंसू लेकर जा रहे हैं। अब केवल आग का ढेर दिखता है। तुम आज तक जो थे वो समाप्त हो गए, अब हड्डियां भी दिख नहीं रही है। अब हड्डियों का भी परिचय पहचान करना असंभव है, केवल खोल से रह गए हैं। तुम्हारी मौत हो गई, तुम्हारी हड्डी और खोपड़ियां जल गई, तुम्हारे रिश्ते और नाते के संबंध टूट गए, तुम्हारे अपने और पराए के संबंध कट गए, तुम्हारे शरीर की जाति और संप्रदाय भाग गए, तुम्हारे शरीर का कालापना और गोरापना सब समाप्त हो गया, तुम्हारी तंदुरुस्ती और बीमारी सब अग्नि ने एक कर दी, तुम्हारी लंबी मूछे या बिना मूछे सबको एक कर दिया। अरे गाफिल न समझा था, ओहो, अरे गाफिल न समझा था, मिला था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तूने, अरे सजन क्या कहूँ तुझको। अब अग्नि धीरे धीरे शांत हो रही है, क्योंकि अब जलने की कोई चीज बची ही नहीं। मित्र पड़ोसी जा रहे हैं शमशान के नौकर को सिफारिश करते हैं, हम परसों को आएंगे हड्डियां चुनने को, हम फूल चुनने को आएंगे, देखना कोई दूसरे के फूल मिक्स न हो जाए। और कईयों के वहां पड़े भी रह जाते हैं, मित्र अपने वालों के फूल समझकर उठा लेते हैं,
अब कौन अपना और कौन पराया, कौन से फूल और कौन से बेफूल। फूल जो था वो तो अलविदा हो गया, अब अड्डियों को फूल कहकर भी क्या खुशी मनाओगे। फूल का फूल तो तुम्हारा चैतन्य था, उस चैतन्य से जो संबंध कर लेते तो तुम फूल ही फूल थे। अब हड्डियों को फूल करके तुम्हारे मित्र चुनने को परसों आएंगे। अभी घर गए, एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन सुबह पहुंच गए मशान में। चिमटे से इधर उधर ढूंढ कर डिब्बे में वो हड्डियां डाल रहे हैं, तुम्हारे को डिब्बे में डाल रहे हैं बाबा। खोपड़ी के टुकड़े कुछ हाथ लग गए, कुछ आंख पे जली सड़ी गली थोड़ी सी मिल गई, कुछ पैर के घुटने टुकड़े अति छोटे टुकड़े, उस सांधों की जोड़ों की हड्डियां मिल गई, जो पक्की पक्की हड्डियां थी वो मिल गई, बाकी की तो राख हो गई। करीब 650 ग्राम तुम्हारे फूल मिल गए हैं, 650 ग्राम करीब हड्डियां मिल गई है। डिब्बे में डालकर मित्र घर आ रहे हैं। समझाने वाले ने कह दिया कि हड्डियां घर में न लाओ, बाहर रखो उनको, बाहर दूर कहीं कहीं पेड़ के साथ बांध दो, जब हरिद्वार जाएंगे तब उसको छोड़ के आएंगे, अब घर में न लाओ, अपशुकन है, अब अपशुकन है, तुम्हारी हड्डियां घर में आना अमंगल है। अरे वाह, संसार तेरे लिए पूरा जीवन मैंने खर्चा था, इस हड्डियों को बनाने में मैंने 50 साल लगाए थे, अब अपशुकन हो रहा है, इस डिब्बे को बाहर रखो। पड़ोसी के घर ले जाते हो, पड़ोसी नाराज होता कि क्या करते हो, तुम्हारे जिगरी दोस्त के घर ले जाओ वो इनकार कर देता है, नहीं नहीं दूर दूर दूर, ये अब हड्डियां किसी के घर रहने लायक नहीं है, किसी के मंदिर में रखने के लायक नहीं है। लोग बड़े चतुर हैं, क्योंकि अब क्या इससे मतलब है, दुनिया के लोग तुम्हारे रिश्ता और नाता तब तक संभालेंगे जब तक तुम्हारे से कुछ मिलेगा, हड्डियों से मिलना भी क्या है। दुनिया के लोग तुम्हें बुलाएंगे कुछ लेने के लिए, तुम्हारे पास देने को बचा भी क्या है। दुनिया के लोग तुम्हारे से दोस्ती रखेंगे कुछ लेने के लिए, दुनिया के लोग तुम्हारे को प्यार करेंगे कुछ लेने के लिए, लेकिन सतगुरु तुम्हें प्यार करेगा प्रभु देने के लिए। दुनिया के लोग